कवन वडाई जो तू देह सो कहां स्वामी, मैं मूर्ख कहन ना जाई। तू सुल्तान कहां हामिया, तेरी कवन वडाई। जो तू देह सो कहां स्वामी, मैं मूर्ख कहन न जाई। तेरे गुण गावां देह बुझाई, जैसे सच मैं रहूं रजाई। ज्यों बुलावह त्यों बोलह स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की आत प्यारी। ब्रह्म बिंद तिसदा ब्रह्मत रह, एक शब्द लिव लाए। नवनिधि अठारह सिधि पिछे लगिया फिर, जो हर हृदय सदा वसाए। ब्रह्म बिंद तिसदा ब्रह्मत रह, एक शब्द लिव लाए। नव निधि अठारह सिधि पिछे लगिया फिर, जो हर हृदय सदा वसाए। परम सन्मान योग करण कारण पतित पावन भगत वत्सल कृपा निधान राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान करण कारण पतित पावन शब्दा अवतार सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे छत्र छाया हेठ सुभायमान सतगुरां दी साजी निवाजी सत संगत जियो वडभागी हो, जो के अज दे मुबारक दिन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र बारगाह विच बैठ करके बाबा बुढ़ा जी दे जन्म उत्सव नूं मनाउण दे लई सारे ही इस जोड़ मेले विच जुड़ बैठे हो। सिख इतिहास विच ऐसा एक खास दिन कह सकते हाँ, या यह साडा विरसा ही अपने आप विच इन्ना विशाल है कि जिथे असी गुरपुरब मनांदे हाँ, जो गुरुआं दे पुरब कहे जांदे ने, उस तों बाद प्रेरणात्मक रूप विच भगत जनां दे भी जन्म उत्सव मनाए जांदे। इस दे नाल नाल खालसे दा अपना जन्म दिवस विसाखी वह भी मनाया जांदा। ऐसे रूप विच ही एक ऐसी महान शख्सियत दा जन्म उत्सव मनाउणा जो अपने आप विच एक विलक्षणता दा रूप रखदे सन। बाबा बुढ़ा जी बारे
अनेकां इतिहासिक गाथावां प्रचलित ने। गुरु अंगद देव जी महाराज ने बाबा बुढ़ा जी संबंध विच एक बचन उचारण किया, मैं उत्थों अपने विचार आरंभ करांगा। आरंभता तो पहला आप सारी संगत आसीस बख्शो, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। कोई रसना वांझी ना रहे, सारे प्यार सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अगर किसी गुरसिख दे प्रथाए महाराज आप कोई बाणी उचारण करन, इथों उस गुरसिख की महानता का पता लगता। हालांकि बाणी विच कईयां दे नाम भी हैं, पर फिर भी उन्होंने समझाने वास्ते उन्होंने उपदेश देने लई शब्द महाराज ने बेअंत उचारण किए ने। जिवें भरथरी नूं समझाने लई चार शब्द ने, गुरख नाथ लोहारीपा मछंदर नाथ, इन्हों समझाने लई कई शब्द हैं। बाबर नूं समझाने वास्ते कई शब्द ने, लालो जी का नाम लैके कई शब्द महाराज ने उचारण किए ने। सज्जन ठग नूं समझाने वास्ते कई शब्द उचारण किए हैं, क्योंकि उन्होंने समझाना सी, उन्होंने सिक्ख्या देनी सी, उन्होंने उपदेश देना सी, क्योंकि उन्होंने उपदेश की जरूरत सी। लेकिन बाबा बुढ़ा जी इकलौती ऐसी शख्सियत ने जिन्हां बारे गुरु साहब नूं यह कहना पिया कि तुहानूं उपदेश की लोड़ नहीं, तुहानूं कुछ समझाने की जरूरत नहीं, तुसीं पहलां तो ही गुरमत नूं समझिया है, गुरमत नूं जाणिया है, गुरमत नूं जीविया है। मैं वह बचन पहला आप जी नाल सांझा कर लां कि किस वेले वह उचारण करना पिया। जिस वेले खंडूर साहब गुरु अंगद देव जी महाराज आ गए, गुरु नानक साहब जी दे कहण दे अनुसार अपनी मर्जी विच नहीं सनाए, जदों उत्थे पहुंच गए ते फिर गुरु साहब एक कमरे विच बैठे हुए सन, किसे संगत नूं मिलदे नहीं सी। गुरु नानक साहब दे जाण दा उन्हां दे मन विच एक वैराग सी, उस वैराग करके किसे नाल गल नहीं सी करदे। ते संगतां ने बाबा बुढ़ा जी नूं आ के ही कहा कि महाराज अगर गुरु साहब इस तरह किसे नाल गल नहीं करनगे ते संगतां दा उधार किवें होएगा। ऐसे रूप विच गुरु साहब जी नूं उस कमरे तो बाहर लियाण वास्ते, क्योंकि महाराज ने मना किया से भी सानू किसी ने पुकारना नहीं है, साडे नाल किसी ने गल नहीं करनी, सानू कोई बुलाएगा नहीं, जो बुलाएगा वह साडा सिख नहीं। हुण असमंजस विच पैण करके गुरसिखां दी हिम्मत नहीं पै रही, क्योंकि सारे महाराज का सत्कार करते सन। बाबा बुढ़ा जी ने वह जुगत कढ़ी, उन्हां रबाबियां नूं बुलाया और कहण लगे आसा की वार दा कीर्तन शुरू कर दिओ। इत्थे एक गल कहनी चाहना, असीं इतने को बदकिस्मत रह गए हैं कि गुरु अंगद देव जी महाराज आसा की वार दा कीर्तन सुन के अंदर बैठे नहीं रह सके। जिथे गुरु नानक दी बाणी गायन कीती जाण लग पई, गुरु साहब आप सामने संगतां च प्रतक हाजिर होके आ गए। पर अज इतनी कु बदकिस्मती कि आसा की वार दा कीर्तन खत्म हो जाता है। तकरीबन तकरीबन हरेक गुरद्वारे सिर्फ हरिमंदर साहब जां बंगला साहब नूं छड्ड के कल्ले रागी सिंह ही कीर्तन कर रहे हुंदे ने। एक ए बाणी ही ऐसी रह गई है जिस बाणी दे प्रथाए किसे गुरसिख ने नहीं जाणिया कि इस बाणी दी महानता की है। गुरु अंगद देव जी किसे नाल गल नहीं सी कर रहे, आसा की वार दा कीर्तन सुनिया महाराज बाहर आ गए। और इस बाणी की महानता अगे तक देखिए तो कलगीधर पातशाह जी ने सरसा नदी के किनारे आसा की वार सुनी है। खैर मैं अपने विषय ते आवा। गुरु अंगद देव जी महाराज संगतां विच आ गए, कीर्तन दीवान की समाप्ति हुई ते बाबा बुढ़ा जी ने हाथ जोड़े, महाराज सानू उपदेश बख्शो।
ते गुरु अंगद देव जी ने उस वेले जो बचन उचारण किया ना जिवें शुरुआत विच अर्ज कीती सी कि कईयां दे लई महाराज ने बचन उचारण किते उन्हां नूं समझाण लई उन्हां नूं उपदेश देण वास्ते उन्हां नूं सुधारण लई पर बाबा बुढ़ा जी वास्ते जो गल आखी ना क्या तुहानूं उपदेश दे ही नहीं सकते। शब्द जरूर उचारण किया बाणी जरूर उचारण की पर यह आख्या कि दीख्या आख बुझाया दीख्या संस्कृत विचों लफज है दीक्षा इहदा अखरी अर्थ है दीक्षा यानी सिख्या दीख्या आख बुझाया सिफती सच समेयो तुसी परमात्मा की सिफत सलाह विच समाए होए हो। यह गुरु अंगद देव जी महाराज ने कहा बाबा बुढ़ा जी नूं दीख्या आख बुझाया सिफती सच समेयो तुहानू सारी सिख्या का पता है तुहानू गुरु नानक साहब ने उपदेश दिता होया है ते अगले बचन विच आख्या तिनको क्या उपदेशी है जिहदे च कमी होवे सज्जन ठग ठगियां करदा उहदे लई शब्द उचारण कर रहे ने भरथरी गलत रस्ते पै गया उहदे लई शब्द उचारण उहनू सुधार की गुंजाइश है बाबर जुलम कर रहा है उहदे सुधार की गुंजाइश है इसलिए उहनू उपदेश दे रहे ने। होर तमाम दुनिया जो अवगुणा विच फसी है जो गुनाहां विच फसी जो कुकर्मां विच फसी रही उन्हां नूं उपदेश दिता पर बाबा बुढ़ा जी दे प्रथाए महाराज ने कहा कि नहीं तिनको क्या उपदेशी है जिन गुरु नानक दे ओ जिन्हां ने गुरु नानक साहिब पातशाह तो साक्षात उपदेश लिया होवे उन्हां दी कृपा हासिल कीती होवे उन्हां नूं की उपदेश दिता जा सकता है। इकलौती ऐसी शख्सियत ने जिहदे बारे गुरु साहिब नूं इह कहना पिया कि तुहानू किसे ज्ञान की जरूरत नहीं है तुहानू किसे उपदेश की लोड़ नहीं है। और हकीकत यह है प्यारे गुरु नानक साहब जी नू भी जदों बाबा बुढ़ा जी मिले ने ज्ञान उदों तो ही रखते ने ज्ञान उस वेले तो ही है परमेश्वर वालों ही उन्होंने एक अगम्य सूझ एक अगम्य ज्ञान दे करके ही भेजा गया सी इसलिए उन्होंने नाल ही केवल यह लफ्ज जुड़ता ब्रह्म ज्ञानी और इस गल की पहचान हर गोविंद साहब महाराज ने दिती है यह पदवी उन्हां वल्लों बख्शिंद होई उन्हां आपां ते एवें किसे नूं भी कह दिंदे ना हरेक बंदा कोई चार कु चेले नाल लैके तुर पै ते असीं कहिंदे ये भी ब्रह्म ज्ञानी ने पर सच्चाई यह है बाबा बुढ़ा जी अगर ब्रह्म ज्ञानी ने ते हर गोविंद साहब महाराज ने पहचाणिया है। अजकल अगर कोई इतनी उच्ची अवस्था का व्यक्ति होवे फिर वह पदवी दे सकता है क्योंकि बाणी कहती है ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी की गत एक ब्रह्म ज्ञान रखण वाला जानदा है। ते गुरु अंगद देव जी महाराज ने महसूस किया कि बाबा बुढ़ा जी वह शख्सियत ने इन्हों उपदेश की लोड़ नहीं किसी की जिन्हें अपना जीवन ही समर्पित कर दिता होवे दिखिया आख बुझाया सिफती सच समेयो तिनको क्या उपदेशी है जिन गुरु नानक देव ते ब्रह्म ज्ञान दी उस अवस्था तक पहुंचे हुए इस शख्सियत ने जिथों ब्रह्म ज्ञान पकड़िया से गुरु नानक साहब भी यह जान गए सन जदों उन्हां कहा महाराज सारे आप कोलों कुछ ना कुछ मंग रहे हैं मेरा आप जी जन्म मरण का भय कट दो मौत का डर 12 साल अजे कंप्लीट नहीं सन बाबा बुढ़ा जी की उम्र दे पर ऐसी अवस्था विच उह कह रहे ने मेरा मौत का डर खत्म कर दिओ ते ऐ चीज एक बालक अवस्था विच इंसान आखे ते अचंभित होना सारियां दा ही लाजमी है। गुरु नानक साहिब पातशाह जी ने वेख्या कि बेटा तेरी उम्र बड़ी थोड़ी है तू गल्लां ब्रह्म ज्ञानियां वालियां करदा गल्लां तू बजुर्गां वालियां कर रहा है उदों ये नाम बाल अवस्था विच किसे नूं बुढ़े की अवस्था प्राप्त हो जाए गुरमत विच उम्र मायने नहीं रखती या उम्र के तकाजे नूं कोई तवज्जो नहीं दिती गई गुरमत विच यह आख्या गया है एक बचन मैं शुरू विच पढ़िया सी ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रह्मत रहै सोरठ की वार विच यह गुरु अमरदास जी महाराज का बचन है ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रह्मत रहै एवें नहीं ब्रह्म ज्ञानी बनता कोई अलग अलग रूप विच अवस्थावां विचों गुजरना पैंदा है ते ब्रह्म बिंदै तो भावे बिंदै तो भावे बिन्नना जिवें तीर दे नाल कोई निशाना लगाउंदा है ना ते जदों टारगेट कंप्लीट कर लै विन दवे टारगेट नूं ते फिर मनदे ने उसने विन लिया
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਧ ਦੇਣਾ, ਵੇਧਣਾ, ਤੇ ਵਿਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵਿਨ ਲਏ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦਾ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦਾ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਮਾਨ ਮੰਗੋ, ਤਾਨ ਮੰਗੋ, ਧਨ, ਲਖਮੀ, ਸੁੱਤ ਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ, ਤਾਨ, ਧਨ, ਲਖਮੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੱਖਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੰਸਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਤਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਮਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਨ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਬਿੰਦਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਗੰਮੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿ ਨਿਰਾਲੀ ਨੁਹਾਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਤਿਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹੇ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਜੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਣੀ ਚ ਐਸੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਏਕ ਚਿੱਤ ਜੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਤੇ ਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਪਤੀਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਲਨ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਐਸਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਬਿੰਦਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਨੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਰਨ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਬਿੰਦਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਔਰ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ,
जो कि अगले बचना विच है भी है, ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रह्मत रहै, एक शब्द ले विलाए फिर नव निधि, 18 सिद्धि पिछे लगियां फिर है। नौ निधियां भी ते 18 सिद्धियां भी ओ इना दे पिछे ही रहियां ने। नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिर है, जो हर हिरदय सदा वसाए, जो अकाल पुरख वाहिगुरु नूं अपने हिरदे विच वसा के रखदा है, नौ निधियां ते 18 सिद्धियां उहदे पिछे ने। ते इस चीज विच बाबा बुढ़ा जी की जो शख्सियत है वह बहुत वड्डी महानता रखती है। हर दुनिया का साधारण भी और असाधारण भी गुण उन्हां दे जीवन विच आम वेख्या जा सकता है। वह जदों एक अध्यात्मिकता की गल करते हैं तो ब्रह्म तक, और जो संसारक तौर दे उत्ते किसी गुण की गल आउंदी है तो उन्हां तों वड्डा होर कोई नहीं है, क्योंकि जे इमारतां की उसारी की गल आउंदी है उन्हां तों वड्डा आर्किटेक्ट कोई नहीं। जे संगत दे किसी भी समागम नूं या किसी भी संसारक तौर ते कोई आयोजन करना है, महाराज कोई भी वड्डा समागम रचदे ने ते उन्हां तों वड्डा प्रबंधक कोई नहीं है। जे गुरु कियां संगतां वास्ते सतगुर पातशाह जी दे नाल ही कोई वार्तालाप करनी है ते गुरु नूं संगतां दे नाल जोड़ना, इहदे विच वी उन्हां दा कोई सानी नहीं है। हर अवस्था दे विच बाबा बुढ़ा जी संसारियां नालों थोड़ा वक्खरे रहिंदे ने, हैन एक साधारण गुरसिख ही, पर एक गुरसिख होण दे बावजूद भी उन्हां ने दुनिया नूं एक ऐसी प्रेरणा दे दित्ती कि हर आम आदमी भी अपने आप नूं वक्खरा कर सकदा है उस परमेश्वर दे नाल जे किते जोड़ दे। ते भाई गुरदास जी दा एक बचन आप सामने रखना चाहवांगा। भाई गुरदास साहब ने कहा, जैसे चूनो खांड स्वेत एक से दिखाई देत, पाइए तो स्वाद रस रसना के चाखी है। चूनो खांड कहिंदे हन, चून कहिंदे ने आटे नूं, खांड कहिंदे ने शक्कर, आटा ते शक्कर, अजकल चीनी मिलती दानेदार हुंदी है लेकिन शक्कर पिसिया होया हुंदा सी पहलों है, पिसी हुई शक्कर वो आटे वर्गी ही लगती है। जैसे चूनो खांड स्वेत एक से दिखाई देत, पाइए तो स्वाद रस रसना के चाखी है। अगर जुबान ते थोड़ा जा ला के वेखिए रत्ती मात्र ते फिर पता लगता है कि खंड केड़ी है ते आटा केड़ा है, रंग ते सफेद ही है। फिर एक होर उदाहरण दिती, जैसे पीत बरन हेम अर पीतर है, जानिए महत पारखक अग्र राखी है, पित्तल भी पीला है ते सोना भी पीला है, लेकिन किसे जौहरी कोल रखिए, किसे सुनियारे कोल रखिए, भाई वेख जरा पित्तल केड़ा ते सोना केड़ा, वो दसदा है भाई ए सोना है ते ए पित्तल है। खरे ते खोटे दी पहचान वो तुरंत कर लैंदा। तीसरी उदाहरण भाई गुरदास जी ने दित्ती, जैसे कौआ कोकिला है, दोनों खग श्याम तन, कां भी ते कोयल भी दोनों इक्को जे लगदे ने, दोनों काले ने, पर बोलिए शब्द शुभ अशुभ सुपाखी है। जदों दोनों बोलदे ने ते एक बेसुरा ते एक सुरीला, फिर पहचानिया जांदा भी एक कां है ते एक कोयल है। ते इसे तरह जिहड़ियां महान शख्सियतां हुंदियां ने ते आम आदमी विच जो फर्क है ना, वह जीवन आचरण दा। कोयल ते कां देखण विच इक्को जे हन, पित्तल ते सोना देखण विच इक्को जे हन, खंड ते आटा देखण विच इक्को जे हन, पर जदों उन्हां दा अंदर दा गुण परखिया जांदा फिर पता लगदा है कि वखरापन किथे है। भाई गुरदास जी ने निर्णात्मक गल जिहड़ी चौथी पंक्ति विच कीती, तीन उदाहरणां देण तों बाद, तैसे ही असाध साध चिहन के समान होत। इसे तरह आम आदमी भी और बाबा बुढ़ा जी वर्गी शख्सियत भी वह देखण नूं इक्को जे लगदे ने। भुलेखा भी पै सकता है कि शायद यह भी उन्हां वर्गा होएगा, यह भी उन्हां वर्गा हो सकता है। तैसे ही असाध साध चिहन के समान होत, करणी करतूत लाग लच्छन कैलाजी है। जदों पहचान होएगी वो कर्मा करके होवेगी, जदों पहचान होएगी वह गुणा दे करके होएगी। जदों किसी आम एक साधारण व्यक्ति और बाबा बुढ़ा जी वर्गी शख्सियत विच अंतर लभना होवेगा तो वह अध्यात्मिक गुणा विचों लभ्या जांदा है, संसारक तौर ते नहीं लभ सकते। जीवन विच बाबा बुढ़ा जी ने समर्पित कीता अपने आप नूं,
हर अवस्था च एक उन्हां दा विशेष गुण आप जी नाल सांझा करना चाहवांगा जो आप जी ने जो परचे भी वेखे ने इश्तिहार वाले उहदे संक्षेप जीवन लिखिया सभना ने थोड़ा थोड़ा पढ़िया होना है। एक शख्सियत बिल्कुल निराली है। सानू अजकल यही लगता है कि जो गुरु घर के वजीर ने ये बस चौंकड़ा मार के बैठने वास्ते होंदे ने पोथियां पढ़ी जान होर किसी चीज़ नाल इन्हां दा तालुक नहीं है। आपां संसारक तौर पर यही देखते हैं भी जिहड़ा ग्रंथी है ना वह बस इंज ही होना चाहिए कमरे च बैठा गुरु घर प्रकाश किया तो बस उत्थों तक ही उहदी लाइफ है। वह आर्किटेक्ट ने वह परचे च भी लिखिया उन्हें बौली साहब की सेवा कराई सरोवर उसारे गुरद्वारा साहब की उसारी की ये भी परचे च लिखिया हुआ है। कदी विचारिया हर गोबिंद साहब महाराज के जंगी उस्ताद कौन ने? गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं तलवारबाजी किने सिखाई है? गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं शस्त्र विद्या किने सिखाई है? एक पहलों गल थोड़ी जी क्लीयर भी करनी चाहना। कई आखते ने बाबा बुढ़ा जी कोलों गलती नाल हरगोबिंद साहब नूं किरपान गलत पासे पै गई। जड़ी उन्हें दो शमशीरां पाईयां ना मीरी पीरी दियां ते कई इतिहासकार और कई प्रचारक भी यह गल कह जांदे ने बाबा बुढ़ा जी कोलों गलती लग गई उन्होंने जो कृपान उन्होंने खब्बे पासे पहनानी सी गात्रे च पाईए ते खब्बे पासे कृपान जांदी है भी सज्जे पासे पहना गए। गुरु सवारियो इतिहास पढ़ के वेखिए हर गोबिंद साहब महाराज के जंगी उस्ताद उन्होंने तलवारबाजी के उस्ताद बाबा बुढ़ा जी ही हैं। एक बार प्यार नाल आखो सतनाम श्री वो खुद उन्होंने उस्ताद ने। वो केवल इस तक इस चीज तक सीमित नहीं हैं कि उन्होंने अध्यात्मिकता ही अपने जीवन च रखी या सिर्फ प्रकाश करना या सुखासन करना उन्होंने मकसद सी। उन्होंने वह परंपरा अगे तोरी है जिसनों गुरु अंगद देव जी महाराज ने निभाया सी। पाठशालावां गुरु अंगद साहब ने चलाईया सन उहदे नाल कुश्तियां कराया करदे सन गुरु अंगद साहब। उस विच ट्रेनर जिहड़े सन ट्रेनिंग देण वाले वह बाबा बुढ़ा जी सन। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की जो जंगी सिखलाई हुई है वह सारी की सारी हरगोबिंद साहब पातशाह जी की सारी जंगी सिखलाई बाबा बुढ़ा जी ने कराई है। विद्यक तौर पर उन्होंने भाई गुरदास जी ने गुरबाणी का ज्ञान दिता। विद्यक तौर पर भाई गुरदास जी इस गल विच अगे रहे ने जो जंगी सिखलाई वह बाबा बुढ़ा जी की है। इथों आप जान सकते हैं कि एक गुरु के वजीर के जो गुण ने वह कितों तक अगे होने चाहिए ने। कौमी मसलियां दे विच कई बार यह अफसोस रहिंदा इस गल दा कि जितने भी दुनिया विच प्रबंधक हन जो गुरुद्वारियां नूं मैनेज करना चाहुंदे ने जो गुरुद्वारियां दा प्रबंध चलाना चाहुंदे ने हर प्रबंधक दी मनशा हुंदी है कि साडे गुरुद्वारे संगत वध तों वध होवे ते जिन्हें संगत जोड़नी है या जिहदे करके संगत आउणी है उहदी राय ही नहीं हुंदी। कितने कु प्रबंधकां दी मीटिंग च गुरु घर दे वजीर शामिल हुंदे होणगे? प्रबंधकों ने तो अपने टाइम लिए ऑफिस जाना है हिसाब किताब लैके तो चले जाना है। माइंड ना करना मैं विशा इस पासे क्यों ले जा रहा क्योंकि बाबा बुढ़ा जी के जीवन तो आप कुछ तो सीध लैनी है। उस वास्ते अर्ज कर रहे हैं कि अज भी इस दौर दे विच अगर गुरु घर विच रौनक वधानी है गुरु घर विच गिणती संगत की वधे तो जिहड़ा शख्स संगत नाल रोज रूबरू हुंदा है ओही ते जान सकता है कि गुरु घर में संगत क्यों नहीं आ रही और क्यों आ सकती है। दोनों चीजा उसे नूं पता है क्योंकि रोज दी रोज रूबरू ते उहने होना है। वह जानता है कि संगत की चाहती है किस समय तक दीवान होना चाहिए है किस तरह के कीर्तनी होने चाहिए ने किस तरह संगत की सेवा होवे किस तरीके ना लंगर की सेवा की जाए। केवल कागजा दे विच इकट्ठिया हो के और चंद अपने दोस्त मित्रां नूं मिला के असी सोची असी कौम बारे सोच लिया ते ये बड़ी वड्डी गलत फहमी रह जांदी है। जदों कौम दे बारे कोई सोचिया जांदा सी ते बाबा बुढ़ा जी सब तो अगे हुंदे सन। उस चीज नूं ज्यों ज्यों पिछे कीता जिथे जिथे इग्नोरेंस आई है उथे उथे ही संगत दी गिणतियां दी कमी आ जांदी है। बाबा बुढ़ा जी ने हर एक तौर दे उते अज दा जो समा आ गया ना अज दा जो वक्त है इहदे विच सब तो वड्डी समस्या साडे सामने जो आ रही है अज दा जो नौजवान है वह सामने नहीं आना चाहुंदा वह धार्मिक दिखना नहीं चाहुंदा उहदी बाणी वल दिलचस्पी नहीं है उहदी गुरु घर विच आण विच दिलचस्पी नहीं है।
प्यारियो सानू फेर तो बाबा बुढ़ा जी वर्गे ही व्यक्ति लभने पैणगे जो अज दे नौजवानां नू भावें उहनां दे इंटरस्ट अनुसार लभण, लेकिन गुरु घर विच अगर नवीं पीढ़ी नहीं आएगी तो जितने आपां बैठे हाँ तकरीबन ज्यादातर ओवर 30 ने सारे, कोई इक्का दुक्का विरले होणगे जिहड़े 30 तों थोड़े होण इत्थे, नहीं तो जितने भी गुरु घरां विच सानू मिलणगे वह सारे ओवर 30 हुंदे ने, 30 साल तो उतली उम्र, 40 साल तो उपरली उम्र ही सिर्फ गुरु घर विच आके बैठदी है। छोटे बालक या नौजवान बच्चे क्यों गुरु घर नाल अपना प्यार गवाउंदे जा रहे ने? क्योंकि मकसद किते ना किते ऐसा बन गया, आपां उह जानना नहीं चाहिया कि अज दी संगत या अज दे जो नौजवान बच्चे ने वह गुरबाणी नूं किस अंदाज विच लै रहे ने। अगर आपां इह कहीए जी अजकल पढ़ाई का बड़ा जोर है, बच्चे पढ़ना चाहते ने, बच्चों ने कैरियर बनाना है, तो यह दसिया जाए कि बाणी विच किहड़ा कैरियर की गल नहीं है। बाणी विच कोई साइंस की गल ना होवे या बाणी विच एजुकेशन की गल ना होवे फिर तो कहीए, लेकिन अगर ये जानांगे ही नहीं, बच्चों नूं दसांगे ही नहीं कि बेटा तू अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो गुरबाणी पढ़ के वेख, शायद तेरे लिए कोई थीसिस मिल जाए। बहुतिया ने तो साइंस विच या विज्ञानिक तौर दे उत्ते PhD कर लईआं गुरबाणी पढ़ के। जे कोई इंसान समाजिक तौर दे उत्ते समाज शास्त्र पढ़ता पे, उन्हें कि बेटा जे समाजिक उचेरी विचारधारा लैनी है तो तू बाणी नूं पढ़, इस विचों तैनू समाजिक तौर पर भी उची विचार प्राप्त होएगी। जे कोई राजनीतिक सेध भी लैना चाहता है तावी वह बाणी दे विचों प्राप्त कर सकता है। गुरु घर दे उस पहले वजीर ने जिन्हां जिन्हां थावां दे उत्ते भी सेवा निभाई है ना, उन्हां थावां दे उत्ते इसे कारण करके हमेशा संगत का एक प्यार बनिया रहिंदा सी, क्योंकि उन्होंने जाणिया बाणी नूं समझिया और बाणी नूं समझण तों बाद संगत दे सामने उस बाणी दा प्रसार रखिया। एक विशा मैं अगे तोरांगा, अगर मन लईए अजकल एजुकेशन उत्ते ही आपां बहुत चिंता तोरां वी साडा बच्चा पढ़े, पहला पढ़ लिख जाए फिर इहनूं धार्मिक बनावांगे। मैं कहिंदा किसे भी सब तों औखा सबजैक्ट साइंस दा है ना, ते गुरबाणी विच जितनी वड्डी साइंस दी विचारधारा इतनी किसे होर ग्रंथ विच मिलनी भी कोई नहीं। विज्ञानिक अजकल जिहड़ी सब तों वड्डी खोज विच लगे ने उह सृष्टि रचना दी है, पर जे इसे पक्ष विच तुसीं किसे बच्चे नूं दसो कि बेटा तू अगर सृष्टि रचना बारे जानना चाहुंदा है ते तू बाणी पढ़। श्री राग विच गुरु नानक साहिब पातशाह जी दा पावन बचन सामने आएगा, वह किते किसे भी जिहड़ा सिर्फ एजुकेशन बारे सोचदा होवे उहनूं इह बचन पढ़ा दिओ वी साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए, जल ते त्रिभवन साजिया, घट घट जोत समोए। उस अकाल पुरख वाहगुरु की जो जोत है उसे परमात्मा की जोत तो पहला पवन बनी, जदों हवा बनी तो दो हवावां मिलके फिर पानी बनिया, पानी बनता भी H2O ही है, इहदा साइंटिफिक नाम जिहड़ा पानी का H2O है, दुगनी हाइड्रोजन होवे एक हिस्से ऑक्सीजन ते पानी बन जांदा। साचे ते पवना भया, पहला वाहगुरु तो पवन बनी, पवने ते जल होए, हवा तो पानी बन गया और जल ते त्रिभवन साजिया, पानी पिया रवे जीव पैदा होंदे ने, इस तरह सृष्टि रचना आरंभ हुई है। हुणे हुणे एक विज्ञानी ने एक बड़े कमाल दा बचन बाणी विचों पढ़ के दुनिया दे सब तो औखे सवाल दा जवाब दे दिता, जिहड़े अय्यागंज विचार विच आउंदे ना, शामां नूं मैं अर्ज भी कीती सी कुछ दिन पहला। सब तो औखा सवाल तुसीं सुणिया होणा अक्सर, बड़ा चर्चित सवाल है लेकिन जवाब इहदा कोई नहीं दिंदा सी, हुण विज्ञानियां ने इहदा आंसर देता है, करैक्टली दे दिता है, और दिता पता कित्थों है, बाणी पढ़ के। लोग कहिंदे ने मुर्गी पहलां होई है कि आंडा पहलों होया, तो कोई मन्नेगा कि बाणी विच इहदा जवाब सी ना? असीं लभ सके, असीं पढ़िया बहुत, असीं सहज पाठ करदे हां, रोज बाणी पढ़दे हां, असीं अखंड पाठ साहिब बड़े कराने हां, हर एक चीज विच असीं सब तों अगे हां, असीं बड़ा कुछ इस बाणी नूं मन्निया है, असीं कहिंदे हां वी बड़ा सत्कार करदे हां, साडे घर गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश है जी, कोई फर्क नहीं पैंदा अगर घर गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश है। जद पढ़ांगे नहीं तो महज केवल एक साडे लई इह हो जाएगा कि हाँ असीं दुनिया नूं कहण वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अपने घर रखे ने, लेकिन फर्क कोई नहीं जद पाणी पढ़ के कुछ हासिल ही ना कीता।
दुनिया वास्ते अज तक पहेली बनिया होया सी इह सवाल। लोकां ने वेद छाण के वेख लै सी, शास्त्र पढ़ लै सन, चार वेद, छे शास्त्र, 27 सिमरतियां, 18 पुराण, 18 उप पुराण, 108 उपनिषद, सब कुछ पढ़ के वेख लिया सी लोकां, लेकिन कितों भी इस सवाल का जवाब नहीं सी मिलिया। फिर किसी विज्ञानी ने किते बाणी पढ़ी और बाणी विच्चों एक बचन उन्होंने पढ़िया सुनिया, तुसी भी कई बार होना है, लेकिन किसी ने यह गंभीरता ना विचारिया नहीं है कि इहदा जवाब भी हो सकता है कि मुर्गी पहलों कि आंडा पहलों। जवाब ते हुण तुहानू कईयां नू पता होना है, पर मैं ते बाणी दा बचन आप सामने रखना है ना, जिथों उस विज्ञानी ने यह आंसर लभ्या। जिस तरीके नाल भी यह जोना बनिया ने सारिया, उहदे विच महाराज का एक बड़ा पावन बचन है, अंडज जेरज उत्पुज सेतज तेरे कीते जनता, एक पुरब मैं तेरा देखिया तू सबना माहे रवंता। ये चार खाणिया ने, अंडज खाणी जेडे आंडे तो पैदा होंदे ने, जेरज जिवें आपां जन्म लैंदे आ गर्भ जोन तो, सेतज पसीने तो उमस तो, ते उत्पुज बनस्पति। ते केड़ी खाणी सब तो पहला है? अंडज, अंडे पहला हन, उस तो बाद उहदे तो जीव पैदा होंदे ने। रब इह किवें पैदा करदा और इस गल नूं डिटेल विज्ञानी दे चुके ने, यूट्यूब ते पाओगे तुहानूं आंसर मिल जाणा है। कई विज्ञानियों ने हुण इहनूं डिस्क्राइब कर दिता है, मैं उस पक्ष विच विस्तार नहीं दियांगा, लेकिन अगर आपां अज बच्चियां नूं जोड़ना है, उहनां नूं ऐसियां इंट्रस्टिड चीज़ां दसणियां पैणगियां कि बेटा धर्म महज कोई साधुवाद नहीं है, महज कोई एक कर्म कांड नहीं है, एक तो कोई धार्मिक परंपरागत क्रिया नहीं है, ये लाइफ वास्ते एक जरूरी सिद्धांत है। भावें बच्चा पढ़ना चाहता है, उहदे लई भी इहदे विचों नियम मिल जाणगे। भावें इंसान नीति सीखना चाहता है, संसार कोई होर कैरियर बनाना चाहता होवे, तां वी बाणी सहयोगी होएगी। अपना जे कि परिवार विच कोई कलेश पै जाए ना, चार बंदे बिठा जरूर लैने, तो मैं तो यह आखांगा जे कि असी बाणी नाल जुड़े होंदे, उनू अर्थ समेत कि समझण की कोशिश की होंगी, तो यह नौबत आनी नहीं सी कि परिवार विच चार बंदे बिठाने पैण। बाबा बुढ़ा जी जदों किते अपना फर्ज निभांदे सन ना, एक गुरु घर दे वजीर दे तौर दे उत्ते, ओ ये कोशिश करदे सन बाणी सुनानी नहीं है, बाणी समझानी है। ओ बाणी पढ़दे नहीं सन, बाणी सुणाउंदे नहीं सन, बाणी समझा दिंदे सन, लेकिन हुण असी उस तौर विच आ गए, असी सुनन तक तो भी पिछे हो गए हैं, एक परंपरा रह गई है। अगर किसी ने अखंड पाठ भी रखाया होंदा तो व्यक्ति यह सोचता है जी जपजी साहब सुनना है और नौवें महल्ले के सलोक सुनने ने। इस तरीके नाल किथे जीवन प्राप्त हो जाएगा, किथे आपां बख्शिशां लै लवांगे, किथे रहमत दे पात्र बणांगे, किवें जीवन साडा सुखमई हो जाएगा, जब असीं गुरु के सिद्धांत नूं पूरी तरह नहीं अपना रहे, तो गुरु की पूरी बख्शिश सानूं कित्थों मिल जाएगी। बाबा बुढ़ा जी ने दुनिया के सामने हर एक पहलू ऐसा रखिया, उन्होंने जंगी सिखलाई भी दित्ती, गुरबाणी की विद्या भी दित्ती, गुरु घर की सेवा भी निभाई, समाजिक सेवावां भी कीतियां ने, आत्मक अते ब्रह्म ज्ञान की गल भी की है, लेकिन असी एक परंपरा बना लैने, उस परंपरा अनुसार अगर असी सोचांगे फिर अधूरापन साडे जीवन च रहेगा ही। जरूरत यह सी जो सतगुर पातशाह जी ने बाणी विच आखिया है, महाराज ने ते आख्या कि जदों असी संसारिक तौर ते इस बाणी नू अगर लोग जाने यह गीत है समझ लांगे, ते फिर साडे लई एक धुन बन जाएगी, कोई नवा गीत गाएगा सानू वह पसंद आ जाएगा, कोई फिर दूसरा गीत गाएगा सानू वह पसंद आ जाना, लेकिन इनू ब्रह्म विचार करके जानना सी। जदों तक इनू ब्रह्म ज्ञान दी विचार नहीं जाणांगे उदों तक हासिल नहीं कुछ हो सकता। एक चर्चित बचन है जो बाबा बुढ़ा जी ने पहला हुक्मनामा लिया, जानदे सारे ही हैं कि यह बचन की है, संतां के कारज आप खलोया हर काम करावण आया राम। संत जना दे कारज परमात्मा अपने आप करदा है, हरि उन्हां दे काम कराउण आउंदा है, ते जदों परमात्मा उन्हां दे काम कराउण आउंदा है, संतां के कारज है ना,
असीं फिर इहदा मतलब संत जना दी अवस्था तक पहुंचीए तां उह कारज करेगा। अगर असीं सोच लईए कि नहीं जी मैं इतने सुखमनी साहिब दे पाठ कर ले ने हुण रब काम जरूर आके करेगा, नहीं परमात्मा ने कोई कसम नहीं खाधी, उहने पढ़न वालियां बाबत कोई कमेंट नहीं कीता, जिहड़ा मन्नेगा उहदे वास्ते सतगुर पातशाह जी ने फरमान कीता है। गुरबाणी ने ते हमेशा फरमाया कहत सुनत सबे सुख पावें, जेड़े कहन सुनन वाले ने सुख जरूर मिलते ने लेकिन आत्मक लाभ किसी ने लैना है ते मानत पाहे निदाना, जेड़े मनदे ने उन्हां नूं आत्मक खजाना प्राप्त हुंदा है, नहीं तां हरेक वास्ते फिर उही सिद्धांत बनिया रहिंदा है। मनुख सोचदा कि नहीं जी फलाना इस तरह करदा, उहने ए दस्या सी, उहने ए दस्या सी, उहने ए दस दित्ता, अनेकां प्रकार दीआं गल्लां हुंदीआं ने। कुछ गल्लां पिरथी चंद ने फैलाईआं, कुछ गल्लां होर गुरु घर दे विरोधीआं ने फैलाईआं, कुछ सुलही खान ने आखिआ, कुछ गुरु घर दे होर ऐसे विरोधी रहे जिन्हां ने ऐसीआं गल्लां कीतीआं कि इत्थे इह हुंदा, उत्थे इह हुंदा, अमृतसर विच इह हो रिहा, तुहाडे खिलाफ बगावत हो रही है। गुरु अर्जन साहिब महाराज की शहादत होई, कई प्रकार दीआं गल्लां होईआं ने, लेकिन बाबा बुढ़ा जी ने कदे उस सिद्धांत नूं संसारक तौर दे या दुनिया दी गल्लां विच आकर के कोई गल नहीं आखी। उन्हां जो भी किया उस सीधे तौर ते गुरु कीआं संगतां अते गुरु दे नाल ही वार्ता विच रहे ने। असीं एवें एक दूसरे दी गल विच आ जांदे हां। मैं एक प्रसंग अर्ज करना चाहांगा, जदों बाणी दर्ज हो रही है उदों चार भगत आए सन गुरु अर्जन देव जी महाराज कोल, ते जदो बाणी लिखवाई जा रही सी उहदी निगरानी विच बाबा बुढ़ा जी बैठे हुंदे सी, नहीं ते रामसर कोई जा नहीं सकदा सी, उत्थे किसे दे जाण दी मनाही सी। बाबा बुढ़ा जी उहदी निगरानी वास्ते बैठे सन। ये चारों भगत आए ने ते इन्हां चारां ने जदों अपनी रचना महाराज नूं सुनाई, सतगुर ने उह दर्ज नहीं कीती, ते इन्हां ने महाराज नूं धमकियां दित्तियां ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਖਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਜਦ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਰਚਨਾ ਲਿਖਵਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। अज उस चीज की कुछ कमी लगती है। बाबा बुढ़ा जी वर्गा वह विशाल जिगरा किसी को नहीं, वह हिम्मत नहीं है। कोई भी आके गुरबाणी के उत्ते उंगल चुकता है असी कहने हाँ जी नहीं जी कोई गल नहीं है, तो परंपरा बन गई है, यह तो हूँ सारे करते हैं। जिमें पिछले दिन एक दिन लंघे है भी कहते हैं जी जे औरत भुखी रहेगी ठीक है जी कोई गल नहीं, ए उम्र वध जाती है। अगर अज भी असीं इह सोचदे हां कि किसे इक औरत दे भुखे रहण नाल रब हुक्म अपना बदल देगा, ते जे उह कहानी है ना, ते मैं उस सती दी गाथा तुहाडे सामने रख दिंदा। मेरा विशा ते नहीं है, पर मैं तां आख रहा कि असीं बाबा बुढ़ा जी वर्गी उस शख्सियत नूं उहनां दे कहे सिधांत नूं इतनी जल्दी भुल जांदे हां और फिर चाहुंदे हां सारियां बख्शिशां साडे ते होण। सती ने अपनी पति दे प्राण वापस लियांदे बिलकुल सही है, पर दसो इत्थे जिन्ने भी बैठे ने कोई है सती वर्गी? उन्हें अपनी लाइफ च एक अक्खर झूठ दा नहीं बोलिया सी, इस करके यमराज नूं मनना पिया उहदा कहना। उन्हें अपनी लाइफ च एक अक्खर झूठ नहीं बोलिया, एक अक्खर उन्हें किसी की निंदा नहीं कीती सी अपनी लाइफ च, एक अक्खर भी निंदा नहीं कीती सी। तां जाके इत्थे उह कौतक वापर गया भी वह प्राण वापस लै आई। कोई ओदे वर्गे हुण रोज निंदा करनी है, एक दिन भुखे रहना है, वधा लो पति दी उम्र, इंज ते नहीं वधन लगी, इंज किवें वध जाएगी? ऐसे प्रकरण विच अगर जे इंज ही उमरां वधदियां हुण परमात्मा ते फिर यही सोचेगा, एक ते अन्न बचेगा लेकिन फिर तो सारे ही जीवित रहणगे। गल उम्र वधाण दी या भुखे रहण दे नाल फर्क नहीं पैंदा, गल यह है कि इंसान अपने गुरु दे उपदेश नूं मन रहा कि नहीं, साडा गुरु की कहिंदा। बाबा बुढ़ा जी नूं आके फलाना कोई आखे जी इंज तुसीं कर लो, तुसीं इंज कर लो, अमृतसर विच तुसीं इह कर दो, तुसीं इत्थे इह रखो, इत्थे इह करो, उहनां किसे परंपरा नूं नहीं मन्निया। संतोखसर गुरद्वारा साहिब है,
जिस वेले हुण बाबा बुढ़ा जी की निगरानी विच उहदी खुदाई चलती पई है, संतोख रिशि उहदे विचों निकले ने तपस्या करदे होए, ते हुण की बाबा बुढ़ा जी ने उत्थे तप साधना करन दी परंपरा चला दित्ती। उह सतयुग दे बैठे होए ने और कलयुग विच निकल रहे ने, ते उह संतोख रिशि खुद आखदे ने कि युग केड़ा है, कहंदे ने जी कलयुग, गुरु कौन ने जे गुरु नानक दी गद्दी है, ते कहंदे फिर मैनू दर्शन करा दिओ ते मैं अपना बेड़ा पार कर लवां। उहने इह नहीं आख्या कि मैं वह पुरानी परंपरा अपनानी, जिहड़ा युग होवे, जिहड़ा नियम होवे, जिहड़ा उस युग का गुरु होवे, उस सिद्धांत अनुसार इस कलयुग विच पार उतारा होना है। ते जे असी अपनी मनमाफिक फिर भी उसे परंपरा नू जारी रखांगे, फिर असी बाबा बुढ़ा जी जां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज इन्हां दी सिख्यावां उत्ते नहीं चल रहे, दिन मनाण नाल फर्क नहीं पैण वाला, उन्हां दी गल मनण नाल जीवन च फर्क पवेगा, सिद्धांत ते अपनाना ही पवेगा। जदों तक उस चीज नू मन्निया नहीं जाएगा, ते फिर एक बचन है कबीर साहब दा बड़ा प्यारा, वह कहिंदे ने कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा मैं चूक, अंधे एक ना लग गई जो बांस बजाई है फूक। उसे तरीके नाल जे पुरानियां परंपरावां नू इंज ही निभाई जाए इंसान, पुराने समय दे एक योगी ने अपने आप विच गुरु साहब नू अपना गुरु स्वीकार किया कि अगर कलयुग है ते कलयुग विच कौन अवतार है और कौन गुरु है ते किदी सिख्या चलेगी। ते महाराज ने बाणी विच एक बचन फरमाया है, सतयुग सत तेता जगी द्वापर पूजा चार। हुण वेखना तीन युगां दी गल है, सतयुग विच सच बोलना ही भगती सी, जिहड़ा सच बोलदा सी पार हो जांदा सी। त्रेता जगी, त्रेते विच यग करना मुक्ति दा साधन सी, जिहड़ा यग करदा सी मुक्त हो जांदा सी। द्वापर पूजा चार, द्वापर विच पूजा हुंदी सी, जिहड़ा पूजा करदा सी भवसागर तों पार हो जांदा सी। ते हुण अगला बचन देखना जो गुरमत सिद्धांत है, तीनों युग तीनों दृढ़े, तिन्ना युगां विच तीनों नियम पक्के तौर ते चले, हर एक ने वह नियम मन्निया, हुण की है। सतयुग सत तेता जगी द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दृढ़े, कल केवल नाम आधार। एक कलयुग चल रहा है, ते कलयुग विच की है, केवल नाम आधार। कलयुग दे अंदर केवल नाम दा आसरा है, केवल नाम दा सहारा है। इस नाम तो अलावा जितने भी होर काम होणगे, अवर काज तेरा किते ना काम। ओनी अवर काज दा मतलब ये ना जानना भी मैं दुकान चला रहा ते वो अवर काज है, नहीं, बाकी प्रकार दियां भगतियां किसे अर्थ नहीं। कलयुग विच नाम जपण दी महानता है, कलयुग विच सिमरन दी महानता है, कलयुग विच भगती करन दी महानता है। इस तों अलावा बाकी इंसान भावें भुखा रहे ते भावें रज रज के खाई जाए, चाहे पहाड़ां ते जाके तपस्या कर लै, चाहे डुबकी लगा के इंसान जिन्ना मर्जी अपने आप नूं कष्ट दे लै, चाहे अग विच बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पैना, क्योंकि कलयुग दा समय है। और जे कलयुग दा समय है ते सतगुर पातशाह जी ने एक होर बचन आसा की वार विच कहा है, कल मैं बेद अथर्बन हुआ नाऊ खुदाई, अल्लाह भया नील बस्त्रले कपड़े पहड़े, तुर्क पठानी अमल किया, चारे वेद होए सचियार। लेकिन कौन जाने चारा वेदा नू, कौन समझे, कौन उदी गल करे, कोई जिक्र करके भी राजी नहीं, कोई उस सिद्धांत नू मन के भी राजी नहीं। बाबा बुढ़ा जी ने सुनिया सारिया दियां ने, उन्हां कोल साधु भी आउंदे ने, उत्थे साईं मियां मीर जी रहिंदे ने जिन्हां ने हरिमंदर साहिब दी नींह रखी है, पहली इट उन्हां ने रखी है। पर कदे उन्हां ने ऐसी कोशिश कीती कि मियां मीर जी बहुत वधिया ने, इन्हां जो इबादत करनी बहुत अच्छी कर रहे ने, मैं भी कदे इन्हां नाल इक नमाज पढ़ लां, नहीं। जो अपना गुरु कह रहा है उसे सिद्धांत नूं उन्हां ने हमेशा मन्निया, मिलदे ते उह फकीरां नूं ने, मिलदे उह जोगियां नूं ने, संतोख ऋषि उन्हां दे सामने मिले ने, संतोख सर सरोवर की खुदाई विच्चों मिले हन, होर बड़े सारे उत्थे जोगी पहुंचते हैं, लेकिन सिद्धांत अपने गुरु का। ते बाणी का एक बचन पढ़ के फिर मैं समाप्ति करा क्योंकि भाई साहब पहुंच गए हैं। महाराज ने सानू जो उपदेश किया ना, वह है गुरसिख मीत चलो गुर चाली। गुरु की चाल चलना है, गुरु के सिद्धांत ते चलना है। सानू जो गुरु कह रहा है, जिव तू चलाए हैं तिव चलें है स्वामी, असी अपनी मनमर्जी नहीं करनी। जिवें गुरु सानू चलाना चाहता उस अवस्था विच तुरना है, ता जाके असी फिर किते रहमत दे पात्र बन सकांगे।
एक विचों विशा होर रखना चाहना थोड़ा जा, दो कु मिनट आप दे मैं जाया करांगा। कई बार ये सवाल करते ने लोग के बाबा बुढ़ा जी अगर इतने ब्रह्म ज्ञान की अवस्था तक पहुंचे सन तो गुरता गद्दी क्यों नहीं मिली। मैनू काफी तकरीबन 10-15 दिन पहला अहियागंज किसी ने शाम को सवाल किया, मैं उन्होंने हाथ जोड़े जी मैं थोड़े दिन का टाइम चाहवांगा कि बाबा बुढ़ा जी वाकई ब्रह्म ज्ञान की अवस्था तक पहुंचे सन, गुरु के हुक्म नूं भी मानदे सन, बाबा श्री चंद जी तरह उन्हें इनकार भी नहीं हुक्म तो किया, हर एक गुरु की आग्या मनी, गुरु की सेवा विच हाजिर रहे, मन की अवस्था संपूर्ण है, तन की अवस्था संपूर्ण है, सिद्धांत पक्ष तो भी पक्के हैं, हर चीज विच कोई कमी नहीं है, पर फिर भी उन्होंने गुरता गद्दी ना मिल सकी। दरअसल प्यारियो ये जो गुरता गद्दी है, भाई गुरदास जी जदों कोई भी किसी सवाल का जवाब किसी पास्यों ना मिल सके तो भाई गुरदास जी उस गल का जवाब देंदे ने। बड़ा प्यारा उन्होंने बचन एक वार विच आख्या, उहदी पहली पंक्ति ही इस गल का जवाब है। गुरता गद्दी की यह जो दात है ना, यह परमेश्वर वालों पहलां तो तय है, यह रब की दित्ती दात है। तो जदों रब की कोई दित्ती दात है तो परमेश्वर ने वह 10 शरीर पहलां तो चुन लए ने कि किसनों यह सेवा मिलनी है। वार की उस पौड़ी विच भाई गुरदास जी ने 6 गुरु साहबाना का जिक्र किया, उस विच पहली पंक्ति च कहिंदे ने सतगुर नानक देव आप उपाया, गुर अंगद गुरसिख बाबाणे आया, अमरदास गुरसिख सतगुर पाया, रामदास गुर गुरसिख सदवाया, गुर अर्जन गुरसिख प्रगटी आया, हर गोबिंद गुरसिख ना लुकै लुकाया। क्योंकि भाई गुरदास जी 6 पातशाहियां तक रहे ने। यह अगम्मी खेड सी, यह परमात्मा वालों दात दिती जांदी सी। बाबा बुढ़ा जी अगर गुरु बन के ही अपना जीवन निर्वाह कर जांदे फिर इतना लम्मा एक ते एज उन्हां दी उम्र, प्यारियो गुरु बनन तो भी वडेरी सेवा उन्हां दे जम्मे रब ने लाई सी। परमात्मा ने गुरु बनन तो वडेरी सेवा है, हालांकि गुरु साहब की सेवा अपने आप विच अगम्मी है, पर विलक्षण सेवा यह है कि परमेश्वर ने उन्होंने गुरता गद्दी तिलक की सेवा दिती है, इस तो वड्डी सेवा होर की हो सकती, फिर यह सेवा कौन करदा। उन्होंने गुरता गद्दी तिलक देने की सेवा प्राप्त हुई है, परमेश्वर ने यह भी तो सेवा किसी कोलों लैनी सी, तो उन्होंने मीरी पीरी के मालिक तक गुरता गद्दी तिलक देने की सेवा निभाई है। ते ए इस महान सेवा नू प्राप्त करन तो बाद बाबा बुढ़ा जी किसे होर पदवी दे लायक भी हैं नहीं। प्यारियो सानू नहीं सवाल करने चाहिए, कई बार महान शख्सियतां दे बारे कई प्रकार दे सवाल खड़े हो जाते ने। गुरता गद्दी ना मिलना बाबा बुढ़ा जी की कोई कमी नहीं, बल्कि उन्होंने जो सेवा मिली है वह अपने आप विच इतनी वड्डी है कि उहदे सामने होर कोई सेवा नहीं। रब ने हुण आप ही चुनिया उन्होंने कि तुसी अगले 5 पातशाहियां नू तिलक देना है। इसलिए गुरु सवारियो बाबा बुढ़ा जी की शख्सियत के जो गुण बयान करिए तो है नहीं बेशुमार, पर उन्हां वल्लों अगर समझाई हुई एक भी गल आप अपने हिरदे च वसा लईए साडा परिवार भी संस्कारी ते सुखी हो सकता है, बच्चियां नूं मार्गदर्शन मिल सकता है अते होर कई जीवन दीआं समस्यावां दा हल सानूं प्राप्त हो सकेगा। गुरु दा प्यार अगर असीं हासिल करना है तो सानूं बाबा बुढ़ा जी दीआं दसियां सिख्यावां उत्ते चलना ही पएगा। बहुत बहुत धन्नवाद आप समूह साध संगत दा जो इतने अदब प्यार विच बाबा बुढ़ा जी दे जन्म उत्सव मनाउण वास्ते हाजिर होए हो। मालक बख्शिश करन असीं गुरबाणी दे सिद्धांत अनुसार चल के, क्योंकि बाबा बुढ़ा जी अगर खुश होणगे क्योंकि वह गुरु घर दे वजीर ने, जिहड़ा गुरु नाल जुड़िया वह गुरु घर दे वजीर दे नाल भी जुड़ सकता है, उहदे प्यार नूं भी हासिल कर सकता है, और गुरु घर दे उस महान पहले वजीर की खुशी जे लैणी है ते सानू गुरु नाल जुड़ के ही प्राप्त होएगी। बाबा बुढ़ा जी इस गल नाल खुश नहीं होणगे कि उन्हां नाल कोई जुड़े या ना जुड़े, पर आपां गुरु नाल जुड़ गए, बाबा बुढ़ा जी दे गुरु नाल जुड़ गए ते फिर बाबा बुढ़ा जी भी खुश होणगे, उन्हां दा भी आशीर्वाद फिर प्राप्त होएगा। गुरु सवारियो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणी लगीए, खंडे बाटे की पौल छकीए ताकि जीवन ऐसा बने यह लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। प्रबंधक सज्जना का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हां ने आप समूह सत संगत की सेवा का मौका बख्शिया। बोलदिया होया हुई बेअंत भुलां की खिमा, फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।